डिजिटल इंडिया अभियान से मेघालय के लोगों में जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पाद विनिर्माण और रोजगार के अवसरों के समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ 2015 में इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में तीन प्रमुख पहलुओं, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल सुविधाएं, सुशासन और जरूरी सेवा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। पेश है हमारे शिलंग संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से मेघालय के लोगों को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने में बहुत मदद मिल रही है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटली सक्षम बनाना है। बहुत से लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। डिजिटल इंडिया योजना के बारे में मेघालय के पश्चिम जयंतिया जिले के लाभार्थी जॉय लामरे ने अपने विचार साझा किए। मेरे कुछ पड़ोसियों और दोस्तों ने मुझे इस सेवा केंद्र के बारे में बताया। इससे मुझे काफी लाभ हुआ है। बिना जिला मुख्यालय गए मैंने अपने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार आदि के लिए आवेदन किया। कॉमन सर्विस सेंटर के मालिक बोही सुमेर ने कहा कि इस योजना ने लोगों की कई तरह से मदद की है। डिजिटल सेवा के अंतर्गत बिजली बिल, फ्लाइट टिकट बुकिंग, पैन कार्ड आदि का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। बहुत से लोग यहां अपने बिजली बिल का भुगतान करने आते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि हम उन्हें रसीद भी देते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आंदोलन बन गया है। इससे मेघालय के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। शिलंग से एम रुस्तम सिंह की रिपोर्ट के साथ दिल्ली से मैं कनकलता।